संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम बग्जा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि ये रीवा की खास रेसिपी है। चलिए सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। ये आम हमने 1 किलो ले लिया है, जिसको अच्छे से उबाल लिया है। जैसे हम आम का पन्ना बनाते हैं उसी तरह से इसका पन्ना निकालेंगे। और थोड़ी सी मिर्ची ली है, बेसन, गुड़, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, और ये जीरा भून करके इसका पाउडर बनाएंगे, और नमक 1 बाउल लेंगे। इस तरह का एक बर्तन, कुछ भी आप ले सकते हैं, उसमें डालेंगे बेसन और इसे हम घोल लेंगे। ये देखिए, बेसन को हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके इसे घोल लेंगे, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बिल्कुल सादा रहेगा, ना नमक डालना है ना कुछ, बिल्कुल सादा इसको बनाना है। और इसी तरीके से हम घोल लेंगे अच्छे से। ये अच्छे से घुल गया है, इसे हमें ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस इसी तरह से होना चाहिए। अब हम इसे रख देते हैं साइड पे और गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई। ये देखिए, हम इसमें बनाएंगे, इसमें डालेंगे बेसन और इसी में बनाएंगे। आप चाहे तो जिससे जलेबी बनाते हो उसमें से बना सकते, या कपड़े में छेदा करके उसको सील करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम हमेशा इसी में बनाते हैं क्योंकि हमको इसी से आदत है। तेल में थोड़ा सा ये डाल करके हम चेक करेंगे बेसन। ये देखिए, तेल हमारा अच्छे से हो गया है गर्म। ये देखिए, इसमें हमने बेसन भर लिया है, और ये नारियल से निकलता है उसका वो होता है, इस तरीके से जैसे अपन जलेबी बनाते हैं उस तरीके से इसको घुमाते जाएंगे। ये पक गया है दोनों तरफ, हमने इसको पलट पलट करके अच्छे से पका लिया है, और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में इस तरीके से, ताकि तेल अच्छे से निथर जाए। ये देखिए, इतना सा बनकर तैयार हो गया। अब हम सारे बग्जा बनाकर तैयार कर लेंगे। गैस पे तवा रख दिया है, और गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे, और इसमें भूनेंगे जीरा। तवे को देखेंगे, ये देखिए गरम हो गया है तवा, इसमें डालेंगे जीरा और इसे भून लेंगे। ये देखिए, जीरा हमारा भून गया है, तवे को हटा लेंगे गैस से। अभी तवा गरम है और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने एक कटोरी में निकाल करके रख लिया है, और इसको पीसेंगे। ये जीरा को हमने पीस लिया है, इसमें नमक मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से नमक मिला लेंगे और इसे रख देंगे साइड में। अब गैस पे पैन रख दिया है, और गैस पे जला देंगे, तेल को गरम होने देंगे थोड़ी देर। बहुत कम तेल रखा है, ये देखिए बहुत ही कम है, 1 चम्मच, क्योंकि इसमें तेल ज्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा ही लगता है। तेल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे जीरा, हल्दी पाउडर भी बहुत ही कम लेना होता है, ये लाल मिर्ची, और अब इसी में डाल देंगे ये पन्ना, जो हमने आम का आम दिखाया था उसका हमने पन्ना बना लिया है। अब इसे डाल देंगे इसी में, ये पूरा डाल दिया, गुड़ डालेंगे। गुड़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा मीठा जितना आप खाते हो उसके हिसाब से। अब इसको हम हिला देंगे अच्छे से चारों तरफ से, और गुड़ को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे इसी में। ये इतना सा नमक डालेंगे इसमें, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमें इसी में जीरा नमक भी डालना है ऊपर से, इसलिए नमक इतना ही डालेंगे। और इसी तरीके से थोड़ा सा पकने देंगे। ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसमें अच्छी उबाल आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे अपना बग्जा, जो हमने तल करके सिरा करके रखा है। ये बग्जा बन करके पूरा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा नमक, जो हमने जीरा वाला नमक पीस करके रखा था उसे डालेंगे इस तरीके से। जीरा नमक को स्किप मत कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है।